और मोदी जी का सपना है 2022 में एक नया भारत, एक नए झारखंड का निर्माण का करना, जहां कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा ना रहे, जहां कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा ना रहे। सर, हम आपसे सवाल किए सर। सर, मेरा घर केंदुआ में है, ठीक है, लेकिन मेरे घर में पीएचडी किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, और जब उनको रोजगार नहीं है तो मूर्ख लोगों को क्या रोजगार दीजिएगा आप? ये सवाल मेरा आपसे। ताली मार मारो भैया, अब खाली डिग्री आपके पास है उससे नौकरी नहीं मिलेगा। जिसके हाथ में क्या है, हुनर। तो अभी सुनो ना भैया, अभी इसीलिए ना मैं स्किल्ड कर रहा हूं। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अगर हाथ में हुनर है तो दुनिया में रोजगार है, ठीक है। अब डिग्री ले घूमते रहो। झारखंड के सीएम रघुवर दास की बार बार जबान फिसल जाती है, और फिसले हुए जबान से क्या कुछ कह दिया इन्होंने सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास दुमका जिले के कडबिंगधा गांव में जन चौपाल लगाकर लोगों से संवाद कर रहे थे। लोगों को वे बता रहे थे कि गरीबी दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। तभी उनकी जुबान फिसल गई, उनके मुंह से अब शब्द निकल गया। और क्या कुछ कहा और किस तरीके से शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा, जरा सुन लीजिए। और मोदी जी का सपना है 2022 में एक नया भारत, एक नए झारखंड का निर्माण का करना, जहाँ कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा ना रहे, जहाँ कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा ना रहे। चामा विधानसभा क्षेत्र से रामगढ़ प्रखंड के कडबिंगा में आयोजित जन चौपाल में सीएम रघुवर दास ने कहा कि वंशवाद की राजनीति को खत्म करना होगा। मुख्यमंत्री ने शिबू सोरेन परिवार पर जमकर प्रहार किया, और उन्होंने कहा कि दुमका, धनबाद, बोकारो सहित कई जिलों में सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन खरीदी गई है, और इसको लेकर उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों की जमीन लूट लेगी, लेकिन सच यह है कि जमीन लूटने का काम सोरेन परिवार कर रहा है। उन्होंने अपने ऊपर गरीबों की जमीन लूटने के लग रहे विरोधी दलों के आरोपों पर चुनौती दी और कहा कि जांच करवा लें। वे 1995 से विधायक हैं, मंत्री रहे, मुख्यमंत्री बने, जमशेदपुर के अलावा कहीं उनकी कोई जमीन नहीं है। सीएम ने कहा कि आजादी के 67 साल बाद तक बिजली, पानी, सिंचाई, आवास, शौचालय जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए लोग तरसते रहे। उन्होंने कहा कि राजनीति में स्थिरता होगी तो विकास तय होगा। सीएम ने कहा कि जन सहभागिता के तौर पर विकास संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से शिक्षा की बात कही जा रही है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, विकास को गति मिली है, बुनियादी समस्याओं का हल तेजी से हो रहा है, झारखंड की तस्वीर बदल रही है, भ्रष्टाचार के लिए बदनाम झारखंड और विकास की राह पर अग्रसर है। 4 साल में वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। राज्य ने 4 साल में 18% कृषि हासिल की है, और वर्ष 2014 में जब उन्होंने राज्य की सत्ता संभाली थी तो प्रदेश में 18% घरों में ही शौचालय थे, अब 100% घरों में शौचालय बन चुके हैं। राज्य पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने जब 2022 की बात की तो उस दरमियान उन्होंने कहा कि शिक्षा नहीं होगा, बिजली नहीं होगी। इस तरीके से उन्होंने जो कुछ कहा है, एक बार फिर से आइए आपको सुनवाते हैं। और मोदी जी का सपना है 2022 में एक नया भारत, एक नए झारखंड का निर्माण का करना, जहाँ कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा ना रहे, जहाँ कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा ना रहे। सर, हम आपसे सवाल किए सर। सर, मेरा घर केंदुआ में है, ठीक है, लेकिन मेरे घर में पीएचडी किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, और जब उनको रोजगार नहीं है तो मूर्ख लोगों को क्या रोजगार दीजिएगा आप? ये सवाल मेरा आपसे। ताली मार मारो भैया, अब खाली डिग्री आपके पास है उससे नौकरी नहीं मिलेगा। जिसके हाथ में क्या है, हुनर। तो अभी सुनो ना भैया, अभी इसीलिए ना मैं स्किल्ड कर रहा हूं। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अगर हाथ में हुनर है तो दुनिया में रोजगार है, ठीक है। अब डिग्री ले घूमते रहो। तो सुना आपने, बार बार वो यही बात दोहराते हैं। जब भी किसी
सभा में जाते हैं या फिर जब भी किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जब कुछ बोलना होता है तो कुछ इस तरीके की बातें वो बोलने लग जाते हैं। गरीबी खत्म करने की बात होती है तो वहाँ पर कुछ और की बात करने लग जाते हैं, और जैसे जैसे समय बदलता जाता है उनकी भाषा शैली में परिवर्तन तो होना ही चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं दिखता। और ये पहला बार नहीं है जब मुख्यमंत्री रघुवर दास की जुबान फिसली हो। हर बार मुख्यमंत्री रघुवर दास कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं, तो रघुवर दास की इस फिसली हुई जुबान से क्या जनता भरोसा कर पाएगी? कैसे करेगी जनता भरोसा, इस पर खुलकर दीजिए अपनी राय। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। और मोदी जी का सपना है 2022 में एक नया भारत, एक नए झारखंड का निर्माण का करना, जहां कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा ना रहे, जहां कोई बेघर ना रहे, कोई बेदवा ना रहे, कोई बेशिक्षा ना रहे। सर, हम आपसे सवाल किए सर। सर, मेरा घर केंदुआ में है, ठीक है, लेकिन मेरे घर में पीएजी किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, और जब उनको रोजगार नहीं है तो मूर्ख लोगों को क्या रोजगार दीजिएगा आप? ये सवाल मेरा आपसे। ताली मार मारो भैया, अब खाली डिग्री आपके पास है उससे नौकरी नहीं मिलेगा। जिसके हाथ में क्या है, हुनर। तो अभी सुनो ना भैया, अभी इसीलिए ना मैं स्किल्ड कर रहा हूं। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अगर हाथ में हुनर है तो दुनिया में रोजगार है, ठीक है? अब डिग्री ले घूमते रहो। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।